तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की। आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम है कि लखनऊ में चिकित्सा समाज कार्य के लेकर 11 सीटों पर वैकेंसी जो है निकाली गई है मेडिकल सोशल वर्क के परिपेक्ष में। ये सीआरट मतलब एक प्रकार से सीआरटी का मतलब होगा कंप्यूटर आधारित, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये परीक्षा होगी और ये स्किल टेस्ट और टेक्निकल एग्ज़ाम है ये आप लोगों के लिए। और इसका जब सिलेक्शन होगा तो फाइनल मेरिट सूची के आधार पर होगा। जो परीक्षा आपकी होगी उसकी जो लैंग्वेज होगी वो होगी आपकी एक भाषा, है ना। एक भाषा की अगर बात करें तो वह एक होगा आपका हिंदी और दूसरी आपका इंग्लिश होगी। दो भाषाओं में आपका जो है होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा लगभग 100 क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी 400 क्वेश्चन होंगे आप सबके लिए और ईच क्वेश्चन आपको जो कैरी करना होगा वो 1 मार्क्स का होगा। मतलब एक प्रश्न जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आप सबके और यह एग्ज़ाम जो है आपको बताऊँ अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स हुए, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है ये, ठीक है। 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन, है ना। तो यानी 1/3 जो भाग होगा वो सही वाले का आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। आपका जो क्वालिफाई मार्क्स होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या EWS में आते हैं या OBC में आते हैं तो वो आपका एक क्वालिफाई मार्क्स 50%। यदि आप SC और ST के कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% होगा। तो ये आपका क्वालिफाई होगा, कट ऑफ और जाएगी। ये नहीं कि आपको आपने 50% मार्क्स गेन कर लिया तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मैंने एक चीज़ बोला आपको फाइनल मेरिट सूची पर होगा, ठीक है। तो आजकल जो है, अभी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, 2008 या 10 के बाद से ग्रेड मिलने लगे, बहुत हाई फाई नंबर आने लगे हाई स्कूल में, 12th में, है ना। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आप पहले के स्टूडेंट हैं, यानी आपने किया होगा तो 2000 या तो 2000 में किया होगा या तो 2004 या 6 में किया होगा। तो उधर जो है बहुत कम मार्क्स आते थे, किसी का 45% आते थे हाई स्कूल में, तो किसी के 50 आते थे, किसी का 60% आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 मान लो, 70 से नीचे ही लेकिन रखना सभी लोग। तो उस दौरान में तो वो मार्क्स के अगर बात करें तो वहाँ पे आपका कम पड़ जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को पर डे अटेंड करिएगा आप सभी लोग सोशल वर्क का, क्योंकि नंबर यहीं गेन करना है आप लोगों पर। ये आपके पास गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है ये आपके पास, है ना। अच्छा, और भी जानकारी दे दूँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन आपके 40 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल से होंगे। जनरल में अगर मैं बात करूँ तो 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश होंगे। नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है जो आप सबके लिए बहुत ही फायदे करेंगे। तो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे, एंटोनियम होगा और सिनोनिम होगा, कॉमन एरर्स होंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस होगा इसमें, और स्पॉट द एरर्स होंगे आप लोगों के लिए, फिलिंग द ब्लैंक भी आएंगे आप लोगों के लिए। ग्रामर बेसिकली आप लोगों का यहाँ पे हार्ड होना चाहिए, 10 नंबर के पूछे जाएंगे यहाँ पे। वोकैबुलरी होगी आपकी, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस होंगे आप सबके लिए, आइडियम्स फ्रेजेस होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे आप लोगों के लिए। वहीं अगर हम बात करें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के बारे में तो जनरल से भी पूछेगा, जनरल नॉलेज से भी पूछेगा, यानी GK से भी 10 मार्क्स आएंगे। उसमें आपको अवार्ड याद रखिएगा, ऑथर्स के नाम याद रखेंगे आप लोग, उनकी किताबें कौन कौन से हैं, ठीक है। और कल्चर याद रखिएगा अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। अच्छा, याद रखिएगा कि ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा, बेसिकली 80% आपके जो GK पूछे जाएंगे वो उत्तर प्रदेश से होंगे। भाषा होगी, पहली भाषा हिंदी है उत्तर प्रदेश की, दूसरी भाषा उर्दू है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनकर पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके एक चीज़ और बता दूँ, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में ना एक बात और याद रखिएगा आप सभी लोग, जितने आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हुए हैं वो पेपर आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट होगा, नहीं समझ में आएगा, तो आप मुझे उस पेपर को जो है सेंड करिएगा, मैं GK इंग्लिश और रीजनिंग और जो अर्थमेटिक एप्टीट्यूट है उसके परिपेक्ष में आप लोगों को डिस्कस के रूप में उस प्रश्न को समझा दूंगा मैं आप लोगों को, अगर कोई डाउट होता है तो आपके मन में, तो आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हिस्ट्री हो गया, आप लोगों से प्रश्न पूछेगा हिस्ट्री से भी, और बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स भी कुछ डाले जाए, ज़्यादा नहीं है करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे आप लोगों के लिए। मैं आपसे कहूँगा नवंबर में पेपर है आप लोगों का, तो आप जो है अक्टूबर सितंबर 2 महीने का जो है करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, बस
इससे ज़्यादा मत देखिएगा आगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक रीजनिंग पूछी जाएगी, मिरर से इमेज बनाने से पूछा जाएगा आप लोगों ने, फिगर मैट्रिक्स से प्रश्न आएंगे, प्रॉब्लम एंड एज कैलकुलेशन के लेकर बात होगी, मेकिंग जो है डिसीजन मेकिंग को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर सीरीज से प्रश्न पूछे जाएंगे, अल्फाबेट सीरीज से प्रश्न पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कोरियन डिकोडिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, नंबर रैंकिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप रीजनिंग भी याद रखिएगा, 10 नंबर होंगे। वहीं अगर हम बात करें संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, तो आपको बता दूं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पे रिलेशन एंड फ्रैक्शन से प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों के लिए। ज़्यादा आपको हार्ड इंग्लिश सॉरी मैथ नहीं पढ़नी है, है ना, बेसिक लेवल पर मैथ पढ़ना है। आप ये मान के चलिए कि हाई स्कूल के जो लेवल है वो हम मैथ आप सॉल्व करिए आप सभी लोग, है ना। तो वहाँ पे भी एक एप्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस होंगे, ये नहीं कि न्यूमेरिकल वाले प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास एक खेत है या उसमें जो है इसकी चौड़ाई इतने 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऊंचाई उसकी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो आगे बनता है तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, इस एरिया का, तो ये प्रश्न नहीं आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, ऐसे प्रश्न नहीं, एप्टीट्यूट वाले प्रश्न अप्लाइड प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, अप्लाइड प्रश्न होंगे। और सेट्स एंड सेट थ्योरी के बारे में होगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के बारे में होगा मैथ में ही, और आइडेंटिफाई एक जो है इंटीग्रेशनल एक बायोमिनल एक वो होता है थ्योरिज्म, उससे भी प्रश्न आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, डिटरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जो है अगर हम बात करें अर्थमेटिक एप्टीट्यूड, ठीक है, एप्टीट्यूड तो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आप करिए, ठीक है, तो यहाँ से 10 नंबर प्रश्न आएंगे। तो यहाँ तक तो विनीत जी आपको समझ में आ गया होगा, मैंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी दिया, क्या आपको समझ में आया ये बातें? शुक्ला जी बताइए बताइए, राजन शुक्ला विनीत शुक्ला दो ही बच्चे हैं, एक बच्चा और आ गए हैं विपिन दुबे करके आए हैं, विपिन दुबे जी बताए, अच्छा अभी तो अभी आप नए ज्वाइन हुए, अस्पष्ट हो रहे मेरे आवाज़ वगैरह क्लियर है, थोड़ा सा मेरी वॉइस प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके, विनीत शुक्ला जी समझ में आ रहा है आपको? आप बोल नहीं रहे, एक बार अनम्यूट हो जाइए, सॉरी। तो ये थोड़ी सी मैंने बेसिक जानकारी दिया है ना आप लोगों को, बेसिक ये आपको तैयारी करके जाना होगा, और इसका मैं सिलेबस अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट से, वो सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, उसी के आधार पे थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप सबको, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अब, ठीक है, आ जाइए स्क्रीन पर एक बार फिर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों को, मैंने आज एक वीडियोज़ बनाया था समाज कार्य को बेसिक अवधारणा पर, जहाँ आप लोगों ने उसके अर्थ को पढ़ा था, उद्देश्य पढ़े थे, लक्ष्य पढ़े थे, समाज कार्य के सिद्धांत और मान्यता पर हम लोगों ने, नहीं मान्यता नहीं हुई थी, अभी मान्यता पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इस पर आधारित है, मान्यता भी अभी बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पर अगर मैं बात करें तो जो व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता होता है वह कौन कौन से टूल्स और टेक्निक और कौशल और जो है सक्षमताएँ यूज करता है, और इसको जानने से पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ समाज कार्य की प्रक्रिया, यानी अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क। तो सीधा अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए आप सभी लोग एक बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चाहे जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, चाहे एम्स का ले लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश का ले लीजिए, आप उत्तराखंड का ले लीजिए, उन पेपरों में ये प्रश्न बनकर पूछे गए हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, हालांकि ये यूजीसी सोशल वर्क का ये जो है आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन उसी का है, तो ये पैटर्न है पेपर में कि आप जब कोई सोशल वर्क का काम करेंगे तो किस लेवल पर करेंगे, कैसे करेंगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर हम यहाँ पे चर्चा पर चर्चा करें तो आप लोगों के लिए सबसे पहले पूर्वानुमान लगाने की बात होगी, यहाँ अगर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे, पूर्वानुमान होगा, फिर व्यक्तिगत अध्ययन होगा, फिर निदान होगा, फिर उपचार होगा, जो आपका थर्ड वाला पॉइंट होगा यह आपका सही होगा। तो याद रखिएगा, अभी हम इसके बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहें, परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ये क्रम यूजीसी में भी पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोगों से भी पूछा जा सकता है एसजी पीजीआई में भी, है ना। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ अगर आप देखें तो एक और पैटर्न स्टार्ट होता है इसका, है ना, यहाँ पर एक और पैटर्न स्टार्ट होता है, तो वो पैटर्न है प्रवेश। प्रवेश को बेसिकली अगर हम बात करें तो संवेग के नाम से भी जाना जाता है,
संवेग के नाम से भी जाना जाता है प्रवेश को, तो कहीं अगर संवेग लिखा हुआ आता है इसका मतलब प्रवेश ही है ना। भर्ती भी इसकी शुद्ध हिंदी अगर हम बात करें तो भर्ती होती है इसकी, क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर बना रहा है तो आप समझ लीजिए कि शुद्ध हिंदी का ही प्रयोग करेगा, ठीक है। उसके बाद अंतरण प्रत्यंतरण आता है। अंतरण करने का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो सोशल वर्कर होता है अपना भाई बहन, ठीक है, पिता माता चाचा चाची एटसेट्रा सेवार्थी में देखने लगता है, वो अंतरण की प्रक्रिया हो जाती है। और ठीक उसी के विपरीत अगर हम बात करें, अगर सेवार्थी सामाजिक कार्यकर्ता के अंदर देखने लगता है वह प्रत्यंतरण का पार्ट बन जाता है। तो याद रखिएगा ये भी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रवेश होगा, दूसरा अंतरण होगा, फिर अध्ययन होता है, मनोसामाजिक अध्ययन करते हैं, सेवार्थी की पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। ये प्रश्न पर भी थोड़ा सा ये टॉपिक आने वाली है। फिर उसके बाद हम बात करें तो सामाजिक निदान की बात करता है, डायग्नोसिस की बात होती है, फिर ट्रीटमेंट का बात होता है, फिर मूल्यांकन की बात होती है, फिर समाप्ति की बात होती है, समाप्ति के बाद प्रतिपुष्टि की बात होती है। ये क्रम है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं ये कहता हूँ आप लोगों को 60 प्रश्न आने वाले हैं सोशल वर्क से संबंध में, तो श्योर है कि ये प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एक मेडिकल सोशल वर्कर होने के नाते आप लोगों को ये क्रम पता होना चाहिए कि किस तरीके से एक सेवार्थी के समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उसकी समस्याओं को किस तरीके से समाप्त किया जाए। तो वही ये चरण स्टार्ट होता है जो आपको पॉइंट नंबर अगर हम बात करें बी में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये याद रखिएगा। आपसे पूछे गए प्रश्न है ये सारे के सारे। इसको बोला जाता है सोशल वर्क की प्रक्रिया, इसको क्या बोला जाता है, सोशल वर्क की प्रक्रिया यानी समाज कार्य की प्रक्रिया इसको कहा जाता है। अब ये सोशल वर्क की प्रक्रिया होती क्या है इसके बारे में अगर आप लोगों में से कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा, किसी को कुछ जानकारी है, थोड़ा सा अपने शब्दों में अगर कुछ बताए। विनीत जी आपको मालूम है तो थोड़ा सा बताएं क्या हो सकता है समाज कार्य की प्रक्रिया। राजन सर आप बताएं। थिंक कोई बात नहीं, आप लोग के पास आज मेरी आवाज़ नहीं जा रही होगी तो बता दीजिएगा, है ना। अगर नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो भी बोलिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, हम उसको और इजी करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। और इसको आवाज़ आ रही है, स्पष्ट हो रहा है ना शुक्ला जी? ओके ओके, ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप साइड में लिख लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए आगे बढ़िए, अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई ये जो प्रोसेस ऑफ सोशल वर्क है, जो समाज कार्य की प्रक्रिया है, इन प्रक्रिया को हमने चरणों में देखा अभी ऊपर दो स्लाइड में, एक क्वेश्चन के माध्यम से कि प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या था, क्या ज़रूरत थी कि ये सोशल वर्क में ये लाने के लिए, मैं आपको बता दूँ। जब आप समाज कार्य आप जानते हैं, ये बेसिकली 6 मेथड पर आधारित है। आपको बताऊं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर एक विद्वान रहे जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब लिखा था 1955 में, मैंने आज की क्लास में बताया था, सॉरी 1958 में, और मैंने सुबह वाली क्लास में बताया था, और मैंने ये भी चीज़ें वहाँ पे जिक्र किया था कि वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने प्राथमिक प्रणाली एक दिया जिसमें उन्होंने केस वर्क रखा, ग्रुप वर्क रखा और कम्युनिटी वर्क रखा। ये तीन चीज़ें रखा, दो भागों में डिवाइड किया था फ्रीडलैंडर ने। दूसरा इन्होंने कहा कि द्वितीयक प्रणाली, द्वितीयक प्रणाली में, द्वितीयक प्रणाली को बेसिकली सहायक भी बोला जाता है, इसको सहायक प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन रखा, सोशल रिसर्च रखा और सोशल एक्शन रखा, तीन बातें रखी इसमें। तो इन्होंने कहा कि जो ये प्राथमिक प्रणाली है, जो केस वर्क, ग्रुप वर्क और जो कम्युनिटी वर्क है, ये आप प्रत्यक्ष रूप से देंगे। आप प्रत्यक्ष रूप से मतलब ये हुआ कि आप सामने होंगे, लेकिन जो सहायक प्रणाली होगी ये आप अप्रत्यक्ष रूप से देखें। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की जब अवधारणा की बात होती है तो फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है, लेकिन जब प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली का नाम आता है तो वहां पे नाम वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम आता है, है ना। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि फ्रीडलैंडर के द्वारा दिया गया निम्न में से सहायक प्रणाली कौन सी नहीं है। अब ये तीन तो लिख देगा, एक आपको वहां पे ग्रुप वर्क लिख देगा या केस वर्क लिख देगा या कम्युनिटी वर्क लिख देगा, तो यही नहीं है। बस ये पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं,
थोड़ी सी आज मेरी आवाज़ में दिक्कत है ना, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा सभी लोग, है ना। अच्छा, हम आगे बात करें। अच्छा, पहली बात तो समझ में आ गई आपको, दूसरी बात ध्यान रखिए, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सारी बातें। इसका मोटो क्या था, क्या था ये प्रक्रिया? प्रक्रिया ये थी कि कार्यकर्ता जो है, जो सोशल वर्कर जब मैं बोलूँ या कार्यकर्ता जब बोलूँ, तो आप अपने आप को सोचिएगा वहाँ पे कि मैं अपने आप को बोल रहे हैं, तो अपने आप को आप भी सोचिएगा। तो यहाँ पे कार्यकर्ता क्या होता है कि सेवार्थी के साथ अंतरंग का मतलब होता है अंतरण। मैंने अभी आपको समझाया कि अंतरण क्या है, प्रत्यंतरण क्या है, अभी बताया आपको। तो अंतरंग जो संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि भाई अपने भाई जैसा देख रहा है, अपने बेटे जैसा देख रहा है, अपनी वाइफ जैसा देख रहा है क्लाइंट को, तो फिर काम कैसे होगा, फिर तो काम ही नहीं होगा। मतलब घनिष्ठ संबंध बना रहा है, और घनिष्ठ संबंध बनाने का मतलब यह है कि उससे डेटा ले रहा है, उससे आंकड़े अर्जित कर रहा है सोशल वर्कर, तो वो अंतरंग का प्रक्रिया संचालित हो रही है। तो वो क्लाइंट के रूप में देख रहा है, ना कि वो अपने फादर मदर वाइफ डॉटर सन के रूप में देख रहा है, ऐसा नहीं, वो क्लाइंट के रूप में देख रहा है। तो आपको सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, इसलिए मैंने सोशल वर्क बोला है आपको कि आप सोशल वर्कर हैं, कार्यकर्ता के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करेंगे ताकि संबंधित व्यक्ति को या प्रतीत हो कि वास्तव में उसकी समस्या के निवारण हेतु गंभीर पूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। यदि किए जा रहे हैं तो प्रक्रिया को संचालित करना ही पड़ेगा, बिना प्रक्रिया को समाज में मुख्य धारा से आप जोड़ ही नहीं सकते कैसे वार्थी, इसलिए प्रक्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात आप समझने की कोशिश करिए कि कार्यकर्ता को कुछ भौतिक साधनों का भी प्रयोग करना चाहिए। अब बताइए, बिना रिसोर्सेज के माध्यम से आप उसके साथ काम कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपने लग गए, बाय द वे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में आपका वहां पे जॉब लग गई, तो वहां पर आपको भौतिक संसाधन का प्रयोग करना पड़ेगा। लाइक अगर मैं बात करूं, आपने एक नाम सुना होगा आईसीपी, जानते हैं, कितने लोग जानते हैं आईसीपी, याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, जो कि ये यूज करता है फॉर्मेट संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये फॉर्मेट यूज करता है, मैं इसको दिखाऊंगा भी आप लोगों को। बताइए इसका पूरा नाम बताइए, शुक्ला जी मालूम है आपको, विनीत शुक्ला? नहीं मालूम। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल केयर प्लान, ये यूज करता है, और ये आपके लिए रिसोर्सेस है। ये आपको इंडिविजुअल केयर प्लान जो है, व्यक्तिगत देखभाल जो योजनाएं हैं, या आप यूज करेंगे संसाधन के रूप में। अच्छा, कैसे? अब आप सोच रहे होंगे सर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप सेवार्थी के बारे में मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे, और आप वहाँ पे प्री निटल पोस्ट निटल नियो निटल, मतलब जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं, वो पूरी डिटेल जानकारी आप उस बच्चे के माता पिता से अर्जित लेंगे। डेटा को आप फील करेंगे वहाँ पर, डेटा आप अर्जित करेंगे, एक्वायर करेंगे आप डेटा आईसीपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली यूज ज़्यादातर कहाँ होता है, जो है अगर हम बात करें इंडिविजुअल, इसको आईईपी बोला जाता है, एक अगर हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसको आईईपी कहा जाता है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बोला जाता है इसको, है ना। तो इसमें पूरी डिटेल जानकारी लेंगे आप पूरे बच्चे, ये मैं आपको फॉर्मेट दूंगा ना, आप देख लीजिएगा एक बार जरूर, क्योंकि प्रैक्टिकल के आधार पर भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो रोगग्रस्त व्यक्ति होगा, उसको अस्पताल के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की जो है जानकारियाँ, या एक प्रकार से अगर मैं कहें तो मार्गदर्शन आप लोग जो है उसे प्रोवाइड कराएंगे। तो ये प्रक्रिया के माध्यम से होगा। इस प्रक्रिया में विभिन्न समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति की ना केवल मनोसामाजिक समस्या को ही सुलझाना है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक क्षमता को इस प्रकार मजबूत बनाना है कि वह तनाव रहित सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। और ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी दौरान कार्यकर्ता की जो भूमिका होगी सेवा प्रदान करने की, वो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे देखिए, आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता जा रहा है, ये बात आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यह अगर हम एक तरफ देखें तो व्यक्ति तनाव में है, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से पीड़ित है, वहीं दूसरी ओर समाज के विकास में भी विभिन्न प्रकार की बाधाएं उपस्थित होती हैं। अब आप सोचेंगे सर यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? पहली बात ध्यान रखिएगा कि एक तो समाज कार्य की प्रक्रिया में आईसीपी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, और आईईपी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है,
एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न कि अगर आपसे पूछेगा कि समाज कार्य की जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य क्या है, तो आप ये बताइएगा कि जो रोगी है, जो सेवार्थी है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। यानी सेवार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो सकारात्मक शब्दों को देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं जो आपको बता रहा हूं यही एग्जाम में आएगा, आप पॉजिटिव शब्द को वहां पे ऑप्शन में देखिएगा। मैं यहां पे आपको सिर्फ मार्गदर्शन दे रहा हूं, बस मेरे बातों को आप केवल ध्यानपूर्वक सुने, जो आपको उचित लगे उसे नोट भी बनाइए, है ना। तो आप वहां पे ये तीन दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न अब आपसे पूछेगा, कोई रीजन से पूछ सकता है कि आज आधुनिक समय में आधुनिक का मतलब आज की वर्तमान समय में, अब वर्तमान समय में जो व्यक्तिगत समाज कार्य है या समाज कार्य या समूह समाज कार्य या समुदाय समाज कार्य है वो किस रूप में है, तो आप ध्यान रखिएगा ये एक व्यावसायिक रूप में है। और जब व्यावसायिक रूप में आप काम करेंगे तब जाके आप सेवार्थी की समस्या का समाधान कर पाएंगे, तब जाके आप समस्या का समाधान कर पाएंगे। समस्याएं क्या हैं आज के समय में, ज़्यादातर आप जब आपको वहाँ पे पीजीआई में आप लग जाएंगे तो आपके जब वहाँ पे आप असेसमेंट करेंगे ना तो आपको ज़्यादातर तनाव, डिप्रेशन है ना, अवसाद, तनाव, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिलेगी। मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति आएंगे आप लोगों के पास। मानसिक रोग से पीड़ित का मतलब आप समझते होंगे, RPWD एक्ट 2016 में आया था जिसने 21 टाइप की डिसेबिलिटी कर दी, तो आप समझ लीजिए कि वो 21 टाइप की डिसेबिलिटी वाले भी आपके पास आएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मेंटल इलनेस वाले ज़्यादा केसेस आते हैं आप वहाँ पे, है ना, ये बातें ध्यान रखिए। दूसरी तरफ देखिए, ऐसी परिस्थितियों में समाज कार्य ऐसे व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ है जो अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली के माध्यम से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में सक्षम है बल्कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेवाओं का आयोजन करके सामाजिक समस्याओं को दूर करने के साथ ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य भी कर रहा होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि भाई एक तो व्यक्तिगत समस्या तो दूर कर ही रहा है और आप बात कर रहे हैं बल्कि कह रहे हैं कि सामाजिक सेवाओं का आयोजन। अब सामाजिक सेवाएं क्या है आपको बता दूं, जो सहायक प्रणाली थी जो वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर ने दिया था, जैसे मैंने कहा था समाज कल्याण प्रशासन, सामाजिक क्रिया, समाज कार्य शोध, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक समस्याओं को दूर किया गया। अब जैसे अगर मैं बात करूं जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जातिवाद अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उनकी समस्याओं को दूर करना है तो कैसे दूर करेंगे? आप एक योजना बना के, आप एक कार्यक्रम बना के, आप जब भी कोई क्रिएटिविटी एक्टिविटी आप करेंगे किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है समाज सकारात्मक तरीके से वो आगे बढ़ेगा, उसकी समस्याएं दूर होंगी और उसकी आवश्यकताएं भी पूर्ति की जा सकती है। तो वो आप कैसे करेंगे? योजना के माध्यम से करेंगे। कोई कार्यक्रम बना दीजिए, अवेयरनेस कोई कार्यक्रम बना दीजिए, या आप ये कह लीजिए आपने 2-3 साइकोलॉजिस्ट को लिया, स्पीच थेरेपिस्ट ले लिया, फिजियोथेरेपिस्ट ले लिया, आपने मेडिकल अगर हम बात करें तो बिहेवियर प्रॉब्लम वाले जो टीचर होते हैं उनको आपने रख लिया, स्पेशल एजुकेटर वाले को रख लिया आपने, है ना, इतने लोगों को आपने बुला लिया। जब ये सभी लोग आ जाएंगे और आपने एक जागरूकता के कार्यक्रम रख लिया, जागरूकता कार्यक्रम वो रखा आपने जो आप अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से जो फ्री निःशुल्क है, जागरूकता कार्यक्रम जो निःशुल्क है, तो बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे। आप समझ सकते हैं ये समस्याएं क्या है, बहुत आसान है आप लोगों के लिए, है ना, ये आप ध्यान में समझ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं समाज का। देखिए थोड़ा सा ब्लर वगैरह अगर PDF आ रही होगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसको और साफ कर दूंगा, ठीक है ना, क्लियर कर दूंगा अगर आपको अस्पष्ट नहीं दिखाई देगा तो। थोड़ा सा स्क्रीन आप जूम कर लीजिएगा, स्क्रीन जूम होती है आप लोगों के पास, है ना, स्क्रीन थोड़ा सा आप लोग जूम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो समाज कार्य के अंतर्गत व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने का जो दायित्व है वो ग्रहण किया जाता है। समाज कार्य एक सहायता मूलक सेवा है जिसका संबंध ऐसे व्यक्तियों की सहायता करने से जिसको सहायता की आवश्यकता होती है। समाज कार्य की प्रक्रियाएं जो थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती, मैंने भी बताया आप लोगों को, प्रत्यक्ष जहाँ पर प्राथमिक प्रणाली आ रही थी, अप्रत्यक्ष जहाँ पर आपका सहायक प्रणाली आ रही थी। समस्याग्रस्त व्यक्तियों की सहायता दी जाती है। अच्छा, ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आप नोट करना, नोट कर लीजिए, फ्लोरेंस होलिस का है, फ्लोरेंस होलिस का है, ये अवधारणा है, ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, नोट कर रहे हैं ना आप लोग, बताइए जरा। तो
आपने ये देखा कि भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा फ्रोलेंस होरिस की आती है, फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि समाज कार्य एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया में व्यक्तिगत सेवा कार्य कर। अभी देखो मैंने बताया भी है प्रत्यक्ष कौन कौन सा है, मैंने व्यक्तिगत बताया था, समूह सेवा कार्य बताया था, और आपको सामुदायिक संगठन बताया था। तो यहाँ पर देखो खुद साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्रत्यक्ष प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, केस वर्क आता है, ग्रुप वर्क आता है, कम्युनिटी वर्क आता है, ये तीन ही आएंगे। एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कि समाज कार्य के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रणाली कौन कौन सी है, तो आप याद रखिएगा केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क। वहीं अप्रत्यक्ष की अगर मैं बात करूं, समाज कल्याण संगठन, आप जो समाज कल्याण प्रशासन के रूप में जानी जाती है, और दूसरा अगर हम बात करें समाज कार्य अनुसंधान, समाज के लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, रिसर्च है ये, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और अंतिम एक है सामाजिक क्रिया, जो बृहद स्तर पर समुदाय के लोगों को सामाजिक समस्या से अवगत कराकर सामाजिक आंदोलन व सामाजिक क्रिया करवाता है, तो ये दूसरा है। तो याद रखिएगा ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब देखिए अब यहीं से शुरू होता है, बेसिकली व्यक्तिगत समाज कार्य की बात करो या केस वर्क की बात करो या मैं आपसे बात करूँ ग्रुप वर्क की बात करूँ या कम्युनिटी वर्क की बात करूँ, तो इसमें कार्यकर्ता सेवार्थी की सहायता विभिन्न चरणों के माध्यम से करता है। आप जानते हैं अभी मैंने आपको बताया था, प्रवेश पहले बताया था, अंतरंग बताया था या अंतरण कह लीजिए आप बताया था, फिर अध्ययन बताया था, निदान बताया था आप लोगों को, याद होगा आप सबको, ठीक है, उपचार बताया था आप लोगों को, फिर मैंने मूल्यांकन बताया था आप लोगों को, फिर आपको क्या बताया था, समाप्ति बताया था, और फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि बताया था। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था अभी अभी स्क्रीन पर थी। अब यहाँ पर देखिए केस वर्क में तीन ही चरण होते, तीन ही चरण नहीं होते हैं, ये चरण इतने होते जो मैंने बताए हैं किताबों में, आप ये देखेंगे एग्जाम में आपको ये आएगा, किताब में ये नहीं आता है, तीन चरण एग्जाम में आपको ये आता है, किताब में ये मिलेगा लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में आपको ये आता है। बाय द वे एग्जाम में आ जाए तो ये तीन चरण आप जानते हैं, मनोसामाजिक अध्ययन पहला है, दूसरा निदान है, तीसरा उपचार, ये तीन है, यही तीन है किताबों में, यही तीन मिलते हैं। आपने MSW किया होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा इसके बारे में, आपने पढ़ा भी होगा शायद, ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है। फिर उसके बाद देखिए मूल्यांकन है, समापन है, प्रतिपुष्टि है, ये चरण आपको मेंशन की जाती है। अब एक एक करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, मनोसामाजिक अध्ययन क्या होता है। सर्वप्रथम कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। भी आप अच्छे से जानते हैं मनोसामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो प्रक्रिया संचालित होती है वो बेसिकली अध्ययन की होती है। अब अध्ययन क्या है कि चाहे वो केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क जो भी है, जब उसमें आप करते हैं तो सेवार्थी की समस्या, उसके विषयगत और वस्तुगत पक्ष, उसकी समस्या के समाधान हेतु किए गए जो पूर्व प्रयास होता है, और सेवार्थी की व्यक्तिगत और भावनाओं के संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उसी के माध्यम से हम ये जो मनोसामाजिक अध्ययन है वह प्रक्रिया संचालित करते हैं। तो इसमें सेवार्थी से संबंधित सभी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पक्ष की जो जानकारी होगी वो प्राप्त होती है। अभी ये नहीं कि सामाजिक ही हो, आर्थिक ही हो और पर्यावरणीय ही हो, भाषाई भी हो सकती है, शारीरिक पक्ष भी हो सकता है, मानसिक पक्ष हो सकता है, सामाजिक पक्ष हो सकता है, नैतिक पक्ष हो सकता है, अध्ययन तो कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेवार्थी को यह विश्वास दिलाता है कि वह उसकी सहायता निस्वार्थ भाव से करेगा, है ना भाई। इसके लिए कार्यकर्ता को कुछ जानकारियाँ चाहिए, कार्यकर्ता सर्वप्रथम क्या करता, समर्थन करेगा, पुनर्आश्वासन देगा, स्पष्टीकरण करेगा, सलाह देगा, व्याख्या आदि का उपयोग करता है। और कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ इस प्रकार संबंध स्थापित करता है कि उसकी चिंता का कम हो जाए, उसकी चिंता कम हो सके, मतलब उसकी समस्याएं कम हो सके और उसे आत्मविश्वास में वृद्धि हो सके उसके, और वह अपनी समस्या के विभिन्न पक्षों के परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए विचार व्यक्त कर सके, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित भी कर सके, समस्या समाधान में कार्यकर्ता का अपेक्षित सहयोग भी कर सके। और यह सेवार्थी की जो है मनोसामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। बस अब मनोसामाजिक परिस्थितियाँ तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, कौन कौन सी होती है मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी है, मनोसामाजिक अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ तो ये व्यक्तिगत अध्ययन है। आप चाहे व्यक्ति अध्ययन के बारे में बात करें, चाहे आप गुरु समूह अध्ययन की बात करें, चाहे आप समुदाय अध्ययन की बात करें, बात वही रहेगी, समुदाय अध्ययन, है ना, बात एक ही रहेगी,
सब में वही चीज़ होगा, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया अभी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, अध्ययन भी वैसे बेसिकली जो बताया गया, मतलब अध्ययन का मतलब ये था यहाँ पे कि अध्ययन की तकनीकी का जो कारगर बनाने का उद्देश्य है वो विशिष्ट तकनीकी कौशल और अथवा साधन का प्रयोग करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तकनीकी कौशल साधन का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि ध्यान रखें आप सभी लोग, एक तो केंद्रक शब्द होता है, एक केंद्रक शब्द होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं, एक अवलोकन शब्द होता है, अवलोकन। अब ये मैं बात कर रहा हूँ किसके परिपेक्ष में, अध्ययन के परिपेक्ष में। अध्ययन की तकनीकी को कारगर बनाना है अगर आप लोगों को, अगर अप्लाइड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो वो चीज़ें ध्यान रख से सुनिए आप। केंद्रक होता है, अवलोकन होता है, और एक होता है समवेशक, समन्वेशक, ठीक है, समन्वेशक। अच्छा, ये क्या होता है आप समझिए इसके बारे में। केंद्रक बेसिकली सेवार्थी को कई प्रकार की समस्याएं से ग्रसित होता है, लेकिन उसकी कोई विशिष्ट समस्या भी होती है जिसके निदान के अति आवश्यकता होती है, डायग्नोसिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो कार्यकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वो सेवार्थी की मूल समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करे, इसीलिए इसको केंद्रक कहा गया, अथवा उसके निदान की व्यवस्था करे, इसीलिए इसको केंद्रक कहा गया। तो मतलब यहाँ पे केंद्रक कौन है, क्लाइंट है, और ये किसके दृष्टिकोण से है, सेवार्थी के दृष्टिकोण से है। ये पहली बात हो गई, ये टेक्निक है आपकी, ये इस आपके अंदर स्किल है, निपुणताएं हैं आपके अंदर, कौशल है आपके अंदर। दूसरी है अवलोकन। अवलोकन क्या, सेवार्थी के मनोभावों का अध्ययन करना है, और जब आप मनोभावों का आप अध्ययन करेंगे उस दौरान सूक्ष्मता पूर्वक, सूक्ष्म का मतलब होता है फाइन, बहुत बारीकी से, सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत बारीकी से, तो सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन उसकी समस्या के समाधान की दृष्टि से आवश्यक होगा, तो आप वहां पे अवलोकन करेंगे। अच्छा, अगर एग्जाम में आप लोगों से अवलोकन की परिभाषा पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे, अवलोकन की परिभाषा बताएं। विनीत जी मालूम है, राजन सर आपको मालूम है, बताएं अगर मालूम है तो। सर, जो सेवार्थी होगा उसकी समस्या का सूक्ष्मता से अवलोकन करना, अवलोकन, हाँ, मैं अवलोकन का अगर मैं शुद्ध संधि विच्छेद करूँ, काट उसको एक प्रकार से समझू, तो और कैसे समझ सकते हैं परिभाषा के रूप में। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिए। अवलोकन मतलब होता है ध्यान पूर्वक देखना। अवलोकन का क्या मतलब होता है, ध्यान पूर्वक देखना। अब यहाँ जो अवलोकन का अर्थ हुआ ध्यानपूर्वक देखना, इसका मतलब एक प्रकार से बना प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, मतलब कार्य कारण और उसके पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली जो घटना है उन घटनाओं का सूक्ष्म वर्णन ही अवलोकन कहलाती है, या अवलोकन पद्धति है, या आप ये भी कह सकते हो। तो मैं अगर आपसे बात करूँ, अवलोकन का मतलब होता है आंखों से देखना। इस प्रकार का अवलोकन वह प्रणाली है जहां अवलोकन करता, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखता है और जानकारी प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं अवलोकन। और यह आपको पता होना चाहिए, अवलोकन को स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक खोज की एक शास्त्रीय विधि कही जाती है। शास्त्रीय विधि मतलब प्राचीन विधि है, ये बहुत ही पुरानी विधि है, याद रखिएगा आप सभी। यहाँ पर आगे एक शब्द आता है समन्वेषण। समन्वेषण का मतलब क्या होगा, समन्वेषण एक ऐसी विधि है, देखिए आपको बता दें ये मेथड है, ये विधि है, आप ध्यान रखिएगा। ऐसे जो अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ चिकित्सा समाज का, यानी उत्तर प्रदेश शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करता है, इसलिए समन्वेषण शब्द याद रखिएगा, है ना। तो समन्वेषण शब्द कहता है एक ऐसी प्रविधि का प्रयोग करता है कि कार्यकर्ता सेवार्थी की मन स्थिति को व्याप्त, जहाँ संवेग हो, जहाँ भावनाएं हो, जहाँ अन्य छुपी हुई बातें हों, उनको बाहर निकालने के लिए हम यूज करते हैं समन्वेषण। समन्वेषण ये शब्द है समन्वेषण।
अच्छा, शमन ने वेषण जो एक शब्द बना यहाँ पर, याद ये भी रखने वाली बात आप सबके लिए है कि सेवार्थी के अंदर से निकली या निकली कई छिपी हुई बातें उसकी समस्या के निदान में सहायक बन जाती है। और ये किसके निदान में सहायक बन जाती है? सेवार्थी, सॉरी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। बात समझ में आ रही है ना? बोलिए एक बार, शमन वेश्वर समझ में आ रहा है? मतलब अच्छी तरह से अन्वेषण करना। अब यहां पे क्या अर्थ निकला बताइए जरा एक बार, अच्छी तरह से अन्वेषण करना। अब अन्वेषण क्या निकला? अन्वेषण का मतलब अच्छी तरह से अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज। तो बताइए जरा समन्वेषण का अर्थ बना कि नहीं बना? खोज, घूम घूम कर स्थिति आदि का जो पता लगाते हैं वो समन्वेषण कहलाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, है ना? तीन शब्द मैंने आपको समझाए, तीनों यूजीसी के सॉरी लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य के लिए इंपॉर्टेंट है, है ना? याद रखेंगे आप सभी। अच्छा आगे बढ़िए, इसमें देखिए आप और भी निम्नलिखित बातें हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे कि कार्यकर्ता बिना किसी अनुसूची और औपचारिक साक्षात्कार करता है, और सेवार्थी के व्यक्तिगत इतिहास को जानना। अब जहाँ पे हमने अभी बात किया था ना, जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म के समय, जन्म के बाद, है ना, ये पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, है ना, वही चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पे। फिर कहता है जीवन इतिहास की रूपरेखा तैयार करना, वही आपका एक इतिहास बन रहा, व्यक्तिगत इतिवृत्ति बन रही है। संगठनात्मक अभिलेख का अध्ययन और अवलोकन करते हुए विभिन्न सूचनाओं का संकलन करना कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, ये भी आपका बन जाता है प्रक्रिया में। अच्छा दूसरी बात आती है निदान। अब यहाँ पे चलेगा निदान। देखिए सामाजिक निदान के बारे में, एक तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा, मैरी रिचमंड का नाम डायग्नोसिस में सबसे एक अहम भूमिका अगर कोई विद्वान निभाया है तो डायग्नोसिस में मैरी रिचमंड ने निभाया, याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक नाम लिखिए यहाँ पर कॉपी पर, मेंशन करिए निदान और उसके ब्रैकेट में लिखिए मैरी रिचमंड। और रिचमंड के तीन किताब लिखिए, एक किताब का नाम है सोशल डायग्नोसिस, सोशल डायग्नोसिस, ठीक है, जो 1917 में आया था, इसको हिंदी में कहेंगे सामाजिक निदान। दूसरा लिखिए व्हाट इज सोशल केस वर्क, व्हाट इज सोशल केस वर्क, जो 1922 में आई थी। तीसरी किताब लिखिए फ्रेंडली विजिटर अमंग, फ्रेंडली, ठीक है, विजिटर अमंग करके 1899। ये तीन किताब आप ध्यान रखिएगा मैरी रिचमंड की है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे अगर हम बात करें निदान की परिभाषा क्या हो तो आप क्या बताना चाहेंगे मुझे? मतलब आप निदान के बारे में अगर हम बात करें, डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो आप क्या कहना उचित समझेंगे? भाई सिंपल भाषा में आप यही कहेंगे कि किसी भी रोग के बाहरी जो लक्षण हैं उन लक्षणों के प्रारंभ या आरंभ करके उसके उत्पत्ति के मूल कारणों का जो ज्ञान करना है, जो ज्ञान प्राप्त करना है वो निदान कहलाएगा। तो निदान की परिभाषा सिंपल शब्दों में ये बनती है कि एक समस्या के प्रत्येक अंग का परीक्षण करना, ताकि विशिष्ट प्रकृति एक संगठन की जानकारी, उनके अंतर संबंधों का ज्ञान हो सके और उनके निवारण के साधनों का पता लगाया जा सके। यानी तथ्यों के आधार पर जो आपने कारणों का पता लगाया है वो आपका क्या कहलाता है? निदान कहलाता है। आपको समझ में बात आ रही है? तथ्यों के आधार पे, जो फैक्ट के आधार पे आपने निकाला है। निदान शब्द का प्रयोग सभी क्षेत्रों में यूज होता है। हम जब बात करते हैं मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रोगोपचार की बात होती है और ये निदान की प्रक्रिया सीधा उपचार की तरफ रुख करती है। तो अध्ययन की प्रक्रिया के बाद सेवार्थी की समस्या के कारणों की खोज और उपचार की दिशा का तय करने हेतु सामाजिक निदान की प्रक्रिया की सहायता की जाती है। और अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से
विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करके सेवार्थी के व्यक्तित्व या व्यक्तिगत अध्ययन, समस्या और समस्या के स्वरूप में उसकी प्रकृति और उसकी अवधि और पर्यावरण में समायोजन के संबंध में सूचनाओं को हम इकट्ठा करते हैं और ये वैज्ञानिक आधार पर क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, वही आपकी निदान की प्रक्रिया करते हैं। आदिकाल से अगर हम बात करें तो मनुष्य शारीरिक और मानसिक व्याधि से ग्रसित होता था तो कष्ट से छुटकारा पाने के उपाय को चिकित्सा कहते हैं कि जिन लोगों ने इस विधा का विशेष अनुभव और अध्ययन किया है उनकी एक अलग श्रेणी बन गई है। आरंभ में रोगों का कारण देवी प्रकोप, प्रेत बाधा इत्यादि को समझा जाता था और उसका इलाज भी जादू टोना, जंतर मंतर आदि से करते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे अंधविश्वास में हैं, आपके गांव में होंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा। यदि उसके पास कोई समस्या है बच्चे के पास, आप तुरंत समझते हैं जादू टोना, नजर, जंतर मंतर। तो ये एक प्रकार की निदान की प्रक्रिया थी, आदिकाल से चली आ रही है। हालांकि अब तो आप मेडिकल, आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हो गए हैं, अब यहाँ पे आप टेक्निक वगैरह यूज करते हैं, तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं, तब निदान की प्रक्रिया संचालित करते हैं, है ना। अच्छा, यही जब निदान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो एक और नाम आता है, उसका नाम है HH पल्लमन। नोट कर लीजिए इसे, HH पल्लमन। देखिए, अगर आप कॉपी पर नोट्स बना रहे हैं इस समय, जो एग्ज़ाम के दौरान में एक महीने के बाद यही आपकी मदद करेगा, है ना, यही आपका सहारा देगा, आपका सहायता अगर हम करें, मदद करेगा अगर, तो ये आपकी नोट्स करेंगे आपके हेल्प। तो निदान की जो प्रक्रिया रही वो HH पल्लमन की रही। अब पल्लमन इसमें जाना जाता है, पल्लमन ने निदान की तीन टाइप बता दिए, पल्लमन ने निदान को तीन टाइप बताए। एक इन्होंने कहा गतिशील निदान होगा, समझते रहिएगा अच्छे से। दूसरा इन्होंने कहा कारणाविनेशी निदान होगा, नोट करते रहिएगा, अगर आप बात करें कारणाविनेशी निदान होगा। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर उपचारात्मक निदान होगा, उपचार आत्मक निदान होगा। ये तीन टाइप के निदान पाए गए। गतिशील निदान में ये कहा गया कि सेवार्थी की समस्या का समाधान वर्तमान दृष्टिकोण से खोजा जाए तो वो गतिशील होगा। भाई आप समझ गए होंगे कि समस्या का समाधान अगर आप आज के समय के दृष्टिकोण या आज के परिपेक्ष में खोज रहे हैं तो फिर वो गतिशील निदान है, डायनेमिक वाला प्रक्रिया है। और फिर आप सोचेंगे कारणाविनेशी क्या होगा, कारणाविनेशी का मतलब होगा कि सेवार्थी की समस्या का समाधान भूतकाल यानी भूतकालीन घटनाक्रम में ढूंढा जाता है। यानी अगर हम बात करें अतीत की बात होती है, अतीत की जब बात होगी तो आपका कारणाविनेशी निदान होगा, अतीत के संबंध में जब आप जानकारी प्राप्त करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा, तीसरा होगा आपका उपचारात्मक निदान। इसके अंतर्गत परिस्थिति जन स्थितियों को देखते हुए निदान की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। मतलब जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उस स्थितियों को देखते हुए सेवार्थी का हम क्या करेंगे, प्रक्रिया को अपनाएंगे, निदान वाली प्रक्रिया। मतलब यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, परिस्थितियों के आधार पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये निदान भी कम्प्लीट हो गया, डायग्नोसिस आपकी कम्प्लीट हो गई। पार्लियामेंट ने सामाजिक निदान के तीन प्रकार बताए हैं, गतिशील, कारणाविनेशी और उपचारात्मक निदान। याद रखिएगा, निदान की जो परिशुद्धता का आधार है, निदान की जो परिशुद्धता का आधार अध्ययन है, उसी अध्ययन की परिशुद्धता होती है, उसी अध्ययन की परिशुद्धता होती है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए मेरी बातों को। निदान की परिशुद्धता का आधार अध्ययन की परिशुद्धता होती है, ठीक है। यही पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि निदान की परिशुद्धता का आधार अध्ययन की डैश अशुद्ध, शुद्ध, परिशुद्ध, उपर्युक्त सभी, तो परिशुद्धता को ही सभी लगाइएगा, है ना। सामाजिक केस वर्क की अगर बात करें, संकल्पना के जो संस्थापक हैं, जो को सोशल केस वर्क की जो संस्थापक माने जाते हैं, वो मैरी रिचमंड माने जाते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं पार्लियामेंट नहीं, मैरी रिचमंड माने जाते हैं। पार्लियामेंट बेसिकली समस्या समाधान के उपागम में जाने जाते हैं, समस्या समाधान का उपागम बताया पार्लियामेंट ने 1957 में।
1957 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, निदान हो गया क्लियर आपका, है ना। निदान के बाद आता है उपचार, एक है ना, उपचार की बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद मूल्यांकन बात करेंगे। यहाँ अगर हम बात करें तो एक उपचार होता है। उपचार का मतलब आप जानते होंगे कि व्यक्तिगत सेवा कार्य हो या सामाजिक समूह कार्य हो या सामुदायिक संगठन हो, इनकी प्रक्रिया के उपचार जरूरी महत्वपूर्ण चरण में माना जाता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत कार्यकर्ता उपचार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो व्यक्तिगत सेवा हो या समूह कार्य हो या समुदाय हो, ऐसी प्रक्रिया जो है प्रारंभिक अवस्था में सेवार्थी ने यह समझ लिया है कि सोशल वर्कर उसकी समस्या को समझ सकता है और वह उससे जुड़ सकता है। तो यह समझ लेना चाहिए कि उपचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब उपचार से संबंधित सारा कार्य उपचार के विभिन्न प्रजातियों का भी उपयोग में या प्रयोग में किया या प्रयोग के द्वारा लाया जाता है या किया जाता है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे क्या बातें बताई। मैंने ये बातें कहा कि जब सेवार्थी आपको लगे कि सेवार्थी आपको समझ चुका है कि आप ही उसकी समस्या का समाधान करेंगे, वो आप ही के पास आएगा दोबारा भी ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर प्रक्रिया उपचार की स्टार्ट हो गई, अब आप लगाना शुरू कर दीजिएगा मेथड से विधियाँ। तो उपचार का मतलब ये होता है कि सेवार्थी को सक्षमतावान बनाना है, उसके सामाजिक रूप से विघटित होने से बचाना है, जो समाज से विघटित हो रहा है, सेवार्थी के सामाजिक स्तर को बनाए रखना है, सेवार्थी के जो सामाजिक स्तर है उसको बनाए रखना है। अगर हम और बात करें इसके परिप्रेक्ष्य में, और भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि सेवार्थी के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिले, अपना सर्वांगीण विकास कर सके, सामाजिक परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सके, वही प्रक्रिया आपकी क्या बन जाती है, याद रखिएगा, उपचार बन जाती है। बस यहाँ पर आपका उपचार भी खत्म हो गया, ठीक है। मूल्यांकन, अच्छा एक शब्द आ रहा है मूल्यांकन का, अभी हम मूल्यांकन की बात करते हैं। देखिए यह निदान आपका चल रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, आपको समझा दिया है ना। ध्यान रखिएगा कार्लाविनेसी खोज वगैरह, देखिए यहाँ पे दिया गया भी है ना। यहाँ पे आप स्क्रीन, मैं पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में डालता हूँ, आप आसानी से पा सकते हैं। देखिए पार्लियामेंट का जो मत था, मैंने अभी आपको बताया था कि पार्लियामेंट ने जो गतिशील बताया कार्लाविनेसी को, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है गतिशील आपको ये बना दिया, और एक कार्यात्मक आपको बताया मैंने अतीत को लेकर, और एक उपचारात्मक की बात किया या क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात किया, तो ये उपचारात्मक बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने तीन टाइप के मैंने अभी बता दिया आपका, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा मूल्यांकन देख लीजिए, इस मूल्यांकन क्या है ना, ठीक है। अब बाकी आप यहाँ पे पूरा कंटेंट अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो समझा दे रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग अवश्य मुझसे पूछें, है ना। अब बात करते हैं मूल्यांकन, है ना, क्या होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा मुझे कैसे मूल्यांकन होगा, आप कैसे मूल्यांकन करेंगे। चलो देखो, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्यों का अनुमान लगाना, या मैं ये कह लूँ कि आंकना, एक प्रकार का असेसमेंट आप करें। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ मूल्यांकन, जो सोशल वर्क में हम यूज़ करते हैं, सोशल वर्क में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सेवार्थी है उसके अंदर सुधार कितना हुआ, कितना रह गया है ना। यदि वो उसके अंदर सही तरीके से सुधार हो चुका है तो वहाँ पर आपको ये भी नहीं करना है कि बस इसका काम समाप्त हो गया भाई, अब इसका काम छोड़ दीजिए, इसकी फाइल बंद कर दीजिए। नहीं नहीं, आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, एक सप्ताह बाद आपको क्या करना है, उसका उससे बराबर उसकी जानकारी लेनी है कि वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें कोई फिर दोबारा कोई समस्या तो नहीं आई। यदि दोबारा समस्या आती है तो ऐसे में उसे मेडिकल सोशल वर्क में पुनर्वास शब्द बोला जाता है, मेडिकल सोशल वर्क में उसे पुनर्वास बोला जाता है ना, याद रखिएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मूल्यांकन करने की प्रक्रिया चलती रहेगी। अच्छा, अब ये आप लोग सोच रहे होंगे ये कब तक चलेगी, आप मान के चलिए कि ये 6 महीने तक प्रक्रिया जो है स्टार्ट रहेगी, है ना। और मेरे हिसाब से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, आई थिंक 1 या 1.5-2 महीने चलता है उसमें भी मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये वाली प्रक्रिया चलती है। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाते हैं लोग, उसकी फाइल जो है ओपन ही रहती है।
तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है और मूल्यांकन अधिगम को सरल एवं सुगम बनाने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सेवार्थी के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है और मूल्यांकन में जो अधिगम है, जो एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सरल और सुगम बनाने का कार्य करता है। मूल्यांकन से यह पता लग जाता है कि सेवार्थी कहाँ पर समझता है, कहाँ पर नहीं समझता है, कितना वो सक्षम है, कितना सक्षम नहीं है। और कोई तो ऐसा भी तथ्य होता है जो सेवार्थी समझने में असमर्थ होता है, तो यही बात मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलती है हमें। कभी कभी हमें हमारे सामने ऐसे भी देखने में मिलता है ना, तो वो चीज़ें इसी मूल्यांकन के माध्यम से ही पता चलता है हमें। ठीक है, मूल्यांकन देखिएगा तो अगर आप देखिए, एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है, एक योगात्मक मूल्यांकन होता है, एक निदानात्मक मूल्यांकन होता है ना। मूल्यांकन के भी कई प्रकार होते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे सेवार्थी है या बालक के विकास के स्तर की बात करें, उसकी प्रतिपुष्टि के लिए जो निर्णात्मक मूल्यांकन है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसके अंतर्गत आप शिक्षक कह लीजिए या सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, पढ़ाने के दौरान या कार्यस्थल के दौरान जो जाँच करता है बालक की एटीट्यूड और ज्ञान जो प्राप्त करता है, वही बेसिकली रचनात्मक होता है और निर्णात्मक होता है। योगात्मक की बात करें तो ये सत्र की समाप्ति के बाद होता है। एक सत्र समाप्त हुआ तो उसके बाद होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, मैंने कहा कि सत्र के समाप्ति के बाद होता है, इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है, जांच की जाती है ना। और जो सेवार्थी है उसके ज्ञान की किस सीमा तक व्याप्त है, ये योगात्मक मूल्यांकन बनता है। निदानात्मक मूल्यांकन में जो शिक्षण का कार्य हो या समाज कार्य का जो प्रक्रिया संचालित हो रही होती है, उसके साथ साथ किया जाता है और मूल्यांकन का यह पता लगाया जाता है कि शिक्षार्थी की पढ़ाई के दौरान या कार्य के दौरान असफल होता है या सेवार्थी में असफलता का कारण है। मतलब नहीं, आप सप्ताह में बात कर लेते हैं, वन डे। अभी मान लो ये निदानात्मक मूल्यांकन है, अभी मैंने आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो ये निदानात्मक मूल्यांकन का पार्ट बन जाएगा। अगर मैं आपके एटीट्यूड के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करता, वो रचनात्मक के परिप्रेक्ष्य बन जाता है। और ये टोटल मिला जुला के अगर मैं आप लोगों से 5 नवंबर को एक पेपर लूँ जहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन सोशल वर्क से लूँ, तो ये आपका योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट बन जाएगा सत्र के अंत में। मतलब महीने का सत्र मैंने बना दिया है ना, तो ये आपका इसका बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका समाप्त हुआ। यहाँ पर ये प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को आप लोग जो है ध्यान अवश्य रखिएगा। ठीक है ना, मैं PDF अभी आप लोगों को जो है इसको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसे जरूर देख लेना एक बार, है ना। तो कल हम लोग जो है समाज कार्य की जो है टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स, ये केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, सोशल एक्शन है, सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर टूल्स के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग, यूज़ ऑफ सेल्फ, यूज़ ऑफ प्रोग्राम, यूज़ ऑफ रिलेशनशिप, यूज़ ऑफ इंटरेक्शन, यूज़ ऑफ कॉमन सेंस, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। सोशल वर्क की टेक्निक के बारे में कल पढ़ेंगे, इंटरव्यू, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सपोर्टिंग, एडुकेटिंग, फिर एक्सप्लेनिंग, एडुकेटिंग, एग्रीइंग, काउंसलिंग, मोबिलाइजेशन, ये इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है ना, कोई डाउट है?